Hi guys, this is your chef Wendy here. Welcome back to my YouTube channel. Today in Navratri special fasting series, we are making chana murgi. So let's get started. मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक लिया है, उसके अंदर मैं एक बाउल शुगर ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैंने इसमें हाफ बाउल पानी ऐड किया है. अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ. चीनी घुलने तक हम इसको मिक्स करेंगे. हम इसको हिलाते हुए मिक्स करते जाएंगे. हमें शुगर सिरप को मिक्स करते हुए एक तार की चाशनी बनानी है. हमें तब तक इसको मिक्स करना है. हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे. ये देखिए अभी अच्छे से बॉयल होने लगी है शुगर सिरप. अब हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे. अब शुगर सिरप को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे. ये देखिए अब हम चेक कर लेते हैं. ये देखिए ये तार की चाशनी बनने वाली है. हम इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे एक बार अच्छे से. अब एक बार फिर से चेक करते हैं. ये देखिए अभी इसमें थोड़ी सी तार बीच में टूट रही है. अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे. हमको इसको लगातार हिलाते हुए पकाना है. अब हम एक बार चेक करेंगे. ये देखिए अब ये तार अच्छे से बनने लगी है. ये देखिए ये पूरी तार बनने लगी है, अब टूट भी नहीं रही है. अब हमने जो ब्लॉक्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स में पनीर काट के रखा है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे. पनीर को मैंने पहले ही छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट दिया था. अब हम इसको मिक्स करेंगे और लगातार हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे. हमें इसको लगातार पकाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. और इसको हमने बीच बीच में इसको चेक करेंगे. ये देखिए अब हम इसको अच्छे से, ये अब शुगर सिरप भी कम होने लगा है. अब हम इसको पानी में डाल के चेक करते हैं. ये देखिए अब ये जमने की कंसिस्टेंसी में हो गई है. अब हम इसको हिलाएंगे और गैस को हम बंद कर देंगे और इसको लगातार मिक्स करते रहेंगे और जो ये शुगर सिरप की कोटिंग है ये उसके ऊपर आ जाएगी. तो इसको हमें अब बिल्कुल हिलाते ही रहना है, बिल्कुल बिना रुके इसको हम मिक्स करते रहेंगे और ये अपने आप सूख के कोटिंग उसके ऊपर आ जाएगी. पनीर के जो हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स काटे हैं उसके ऊपर आ जाएगी. ये देखिए अब अच्छे से ये होने लगी है. ये देखिए ये कोटिंग से अच्छे से इसके ऊपर लग गई है. हमें इसको ठंडा होने देना है 10 मिनट के लिए. उसके बाद जो इसका शुगर सिरप है वो अच्छे से इसके ऊपर लग गई है और जो इसका एक्स्ट्रा जो शुगर पाउडर है वो अलग हो जाएगा. और ये देखिए मिक्स करते हुए अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है. अब हम इसको हिला के जो हमारी शेना मुर्गी है उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमारा पाउडर बचेगा उसको हम किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. नींबू पानी बनाने में किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. ये देखिए अब हम शेना मुर्गी एक एक करके निकाल ली हमने. ये हमारा ये बच गया है शुगर पाउडर. और देखिए ये हमारी शेना मुर्गी रेडी है. अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. हैप्पी ईटिंग.